Hello. हम लोग जो है वापस इधर आ जाते हैं अपनी जगह पे। तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम अपने अंदर में देखते हैं तो हमको एक चीज ये पता लगती है कि मैं हूँ, मेरा अपना होना मुझे स्वीकार रहता है। दूसरी बात ये पता लगती है कि मेरे अपने अंदर में आशा है, विचार है, इच्छा है, और इन आशा, विचार, इच्छा को मैं अध्ययन कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं आशा, विचार, इच्छा को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, अध्ययन कर सकता हूँ, तो इससे पता लगता है कि आशा, विचार, इच्छा और मेरे बीच में कोई रिक्त स्थली है ना। और वो जो रिक्त स्थली है वो पारदर्शी है। यदि अपारदर्शी होती तो मैं नहीं कर पाता अध्ययन, है ना। वो जो रिक्त स्थली है वो पारदर्शी। तो इससे पता लगता है कि जीवन नाम की जो वस्तु है, तो जीवन नाम की वस्तु में क्रियाएं हैं, और ये सभी क्रियाएं जो हैं क्रिया शून्य वस्तु में हैं, जिसको हम लोग स्पेस कह रहे हैं ना। क्योंकि क्रिया के बीच में स्पेस है, इसीलिए हम क्रिया के भेद को पहचान पाते हैं। हम क्रिया का भेद इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसके बीच में स्पेस है, है ना। यदि स्पेस नहीं हो तो हम क्रिया के भेद को नहीं पहचान सकते। और ये जो स्पेस है वो ट्रांसपेरेंट है। अभी हमको आँख से स्पेस ट्रांसपेरेंट दिखता है ना। आँख एक यंत्र है, इससे ट्रांसपेरेंसी दिखती है। लेकिन जब हम अपने अंदर में देख रहे हैं तो आँख नहीं है, लेकिन क्रिया दिख रही है ना। विचार दिख रहा है, आशा दिख रही है, इच्छा दिख रही है, और न केवल दिख रही है, हम उसका अध्ययन भी कर सकते हैं, वहाँ पे विश्लेषण कर सकते हैं, तुलन कर सकते हैं, उसका आस्वादन भी ले सकते हैं, है ना। समझ में आता ना अपने अंदर में। तो इससे पता लगता है कि जो जीवन नाम की वस्तु है उसके अंदर में भी स्पेस है, और वो जो स्पेस है, जो रिक्त स्थली है, वो पारदर्शी है। यदि अपारदर्शी होती तो जीवन में अध्ययन नहीं कर पाते। एक बात ये पता लगती है, दूसरी बात ये पता लगती है कि वो जो भी हम अपने अंदर में देख रहे हैं वो भौतिक रासायनिक नहीं है। जैसे विचार कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, भौतिक क्रिया नहीं है। भौतिक क्रिया होती तो उसका ताप दाब आदि होता, ताप दाब ध्वनि तरंग। तो विचार का कोई ना तरंग होता, ना ताप होता, ना दाब होता, ना ध्वनि होती। इच्छा का भी ऐसे ही रहता है, आशा का भी ऐसे। तो इसलिए भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं है पता लगता है। भौतिक रासायनिक क्रिया रहती तो ये सब बदलता रहता, क्योंकि भौतिक रासायनिक क्रिया परिवर्तनशील है। आशा, विचार, इच्छा परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है? कैसे? हम जैसे इस पेन पे विचार करेंगे तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी पेन पे जिसको हम लोग विचार क्रिया कह रहे हैं वो तुलन विश्लेषण क्रिया है। तुलन विश्लेषण क्रिया तो सबके अंदर एक जैसी होगी, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कैसा भी कर ले। आप जैसा कहेंगे वैसे ही दूसरा भी पहचानेगा, एक बार पहचानने के बाद वो वैसे ही रहेगा, है ना। परिवर्तनशील नहीं है। वैसे तो जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं वो भी नियम से संचालित है। हाँ, लेकिन वो रचनाएं बनाती रहती ना, गठन बनाती रहती, नए नए गठन करके नई नई चीजों की रचना करती रहती। जैसे एक प्रकार का विचार होता है जिससे आवेश आता है, एक प्रकार के विचार से शांति होती है, वो क्या अंतर है उसमें विचार में? जिस प्रकार के
विचार में आवेश आता है, उस प्रकार के विचार में आवेश ही आता है हमेशा। जिस प्रकार के विचार में शांति रहती उसमें शांति ही रहती, नहीं वो सभी के लिए रहती। बहुत सारे लोग हैं जिनको आवेश नहीं आता है कुछ भी हो जाए। हाँ तो वो तो जो जो उसका जो दृष्टा करता भोगता है तो उनके अंदर वो विचार समझ नहीं रहता है, इसलिए नहीं आते। यदि वो विचार उनके अंदर रहता तो आवेश है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आवेश से आसक्ति से मुक्त हो गया, फिर उसके अंदर उसका विचार नहीं रहता, रासायनिक क्रिया होती तो बनी रहती। जैसे इच्छाएं हैं वो कभी, जैसे हमने वो बनाया था एक घर की, फिर एक कॉलोनी की, फिर गांव की, तो इच्छा तो बढ़ी ना। हाँ तो फिर ये इच्छाएं बढ़ती घटती है ना किसी के अंदर, भौतिक रूप से बढ़ती घटती। यानी जो इच्छाएं तो नहीं, इच्छा भौतिक रासायनिक, भौतिक रासायनिक अर्थ में बात कर रहे हैं। हाँ ये कह रहे हैं कि जीवन क्रियाएं जो है ना भौतिक है ना रासायनिक। हाँ वो ठीक है, तो उस अर्थ में नहीं बढ़ती घटती, रचना वगैरह के हिसाब से जो भी बढ़ेगा घटेगा वो भौतिक रासायनिक वस्तु, यानी इच्छा पूर्ति जब करेंगे तब बढ़ेगा घटेगा। जैसे आपने घर बनाया, वो घर को आप बढ़ा लेंगे, इच्छा थोड़ी बड़ी होती, इच्छा होती, इच्छा रहती है बस। बड़ी इच्छा छोटी, चित्र होता है, मतलब चित्र बदलता रहता है बस, इतनी ही होता। और जो चित्र है वो प्रतिबिंबन क्रिया है ना, प्रतिबिंब वस्तु नहीं होता है। तो जो भी बढ़ता घटता है वो बिंब बढ़ता है, प्रतिबिंब नहीं बढ़ता। बिंब बढ़ेगा तो प्रतिबिंब बढ़ेगा, प्रतिबिंब वस्तु नहीं है। जैसे आप आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसको आप कुछ बड़ा घटा सकते हैं क्या? वो प्रतिबिंब भौतिक रासायनिक वस्तु होता है क्या? प्रतिबिंब में ताप दाब होता है? नहीं होता है ना। उसका विचारों का, किसी विचार का सकारात्मक प्रभाव होता है, किसी का नकारात्मक होता है। तो ताप दाब का प्रभाव तो मैंने बताया कि जो रासायनिक क्रिया है ना वो नित्य परिवर्तनशील है। हाँ विचार जो है नित्य परिवर्तनशील नहीं, आप किसी भी वस्तु का तुलन विश्लेषण करेंगे तो उसका तुलन विश्लेषण एक जैसे ही होता है, और इसीलिए भाषा बनती है, और इसीलिए जो है उसको अध्ययन अध्यापन शिक्षण हो सकता है। यदि ये नित्य परिवर्तनशील होता तो अध्ययन अध्यापन भी नहीं हो पाता, भाषा भी नहीं हो पाती है ना। जैसे अभी एक वस्तु ऐसी है, थोड़ी देर में वस्तु बदल जाए तो आप इसको पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते। तो जो रियलिटी है वो बनी रहती है, तो वैसे ही जो अंदर की जो रियलिटी है वो अनचेंजेबल होती या निश्चित नियमों में होती, निश्चित नियमों के अंतर्गत क्रिया होती। और मैं केवल ये कह रहा हूँ कि भौतिक रासायनिक नहीं है वो, परिवर्तन भौतिक रासायनिक नहीं, इसको आप जांच के देख सकते हैं अपने अंदर में। दूसरी बात मैंने ये बोली कि अपने में देखने का मतलब और शरीर के अंदर देखने का मतलब अलग अलग है। तो हम शरीर के अंदर नहीं देख सकते, ना हम ब्रेन में देख सकते हैं, ना हम आँखों में देख सकते हैं। अपनी आँखों में खुद देख सकते हैं, हृदय में नहीं देख सकते। तो जो हम हैं वही हम अपने आप को देख सकते हैं, जो हम नहीं है उसको नहीं देख सकते। ये समझ में आ रहा है? जैसे हम अपने अंदर में देखते हैं ना, तो हमारे अंदर में बहुत सारे शरीर में अंग अवयव हैं। हम अपने अंदर में किसी भी अंग अवयव को जाके नहीं देख सकते। देख सकते मस्तिष्क को? देख सकते मस्तिष्क में कोई प्रभाव पैदा होगा उसको हम जरूर अनुभव करते हैं आस्वादन में, है ना। ऐसे सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द का आस्वादन हमारे अंदर आता है, लेकिन सिर दर्द कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस क्रिया से हो रहा है वो नहीं देख सकते।
उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं ना, शायद इस कारण से हो रहा होगा, इस कारण से हो रहा हो, वो भी डायग्नोसिस आप खुद नहीं कर सकते, किसी यंत्र से करना पड़े। भौतिक रासायनिक क्रियाओं को हम यंत्रों से उसका मेजर कर सकते हैं या किसी मेथडोलॉजी से कर सकते हैं, मेथड से, है ना, जैसे वैद्य लोग नाड़ी आदि देख के करते हैं ना। लेकिन जीवन क्रिया को आप खुद देख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और जीवन की क्रियाओं में दोनों ऑप्शन हैं, आप विचार कर भी सकते हैं और आप विचार नहीं करें तो भी विचार चलता रहता। आप आशा कर सकते हैं, आशा नहीं करें तो भी आशा बनी रहती। आप इच्छा कर सकते हैं, इच्छा ना भी करें तो भी इच्छा बनी रहती। तो यहाँ से पता लगता है कि हम करता भी हैं, क्योंकि हम आशा विचार इच्छा कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम आशा विचार इच्छा नहीं कर पाते, यानी मेरी समझ से आशा विचार इच्छा नहीं चलते, है ना, तो हम कर्ता नहीं होते, क्रिया ही होते। तो हम कर्ता भी हैं, दृष्टा भी हैं और भोक्ता भी हैं, क्योंकि सुखी दुखी आशा विचार इच्छा नहीं होती, सुखी दुखी मैं होता, सुखी दुखी होने वाला मैं हूँ, है ना। तो जीवन के अंदर यदि हम देख रहे हैं तो हम ऐसा पा रहे हैं कि एक दृष्टा कर्ता भोक्ता के रूप में एक वास्तविकता है, दूसरी वास्तविकता मेरे के रूप में आशा विचार इच्छा आदि है ना, और मैं ही जो है दृष्टा कर्ता भोक्ता है। और मैं किसका दृष्टा है, आशा विचार इच्छा का दृष्टा है। किसका भोक्ता है, किसका भोक्ता है, सुख दुख का भोक्ता है, बेसिकली सुख का ही भोक्ता है, दुख तो भ्रमवश होता है, क्योंकि सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है ना, तो इसलिए जीवन में सुख ही बना रहता है, दुख केवल भ्रमवश होता है। और इसलिए दुख की निरंतरता नहीं है, भ्रम की निरंतरता नहीं है। यदि भ्रम का अस्तित्व होता तो उसकी निरंतरता बनी रहती, जो होता है वो निरंतर होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है, है ना। और इसके बीच में एक क्रियाशून्य वस्तु है, एक क्रियाशून्य वस्तु है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो स्पेस है, है ना, ना वो आशा है, ना विचार है, ना इच्छा है, ना वो मेरा अपना होना है, मेरे अपने होने और मेरे अंदर की क्रियाओं के बीच में एक रिक्त स्थली, ये समझ में आ रहा है। और वो रिक्त स्थली का हम अध्ययन अपने में करते हैं, ये पाते हैं वो पारदर्शी। यदि पारदर्शी नहीं होता तो जीवन क्रियाओं का अध्ययन नहीं हो पाता। जीवन के अंदर 122 प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन हम कर सकते हैं, इसका मतलब है 122 क्रियाओं के बीच में जो है ना रिक्त स्थली स्पेस है। यदि वो, क्योंकि स्पेस ही जो है दो इकाइयों को या दो क्रियाओं को का भेद कराता है, जैसे आप अलग हैं मैं अलग हूँ, तो यदि ये स्पेस नहीं हो, रिक्त स्थली नहीं हो, खाली जगह नहीं हो, है ना, स्पेस नहीं हो, व्यापक वस्तु नहीं हो, कुछ भी कहें हम, जो भी इसका नाम दें, तो दो नहीं हो सकते, एक हो जाएंगे, है ना। तो यदि जीवन के अंदर 122 प्रकार के क्रियाकलाप हैं तो उसका मूल कारण है कि हर क्रिया के बीच में स्पेस है, और ये स्पेस जो है ना पारदर्शी है, इसीलिए क्रियाओं के भेद के रूप में हम अध्ययन। अपारदर्शी वस्तु होती तो हम आपको देख ही नहीं पाते, क्रियाओं को भेद को हम पहचान नहीं पाते, उससे पारदर्शिता पता लगती। फिर दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि विश्वास जो है वो क्रिया है या क्रिया शून्यता है,
ज्ञान क्रिया है या क्रिया शून्यता है, सुख क्रिया है या क्रिया शून्यता है। तो मेरे अपने अंदर में क्रिया शून्यता है और क्रिया है, दो चीजें हैं। तो विश्वास मेरे अपने स्वयं के अंदर में होता है ना। हम विश्वास को अपने अंदर में पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? सभी लोग अपने अंदर में विश्वास को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? ये जितने भी स्थितियां हैं, हाँ, ये मूल्य है, विश्वास, ये नौ मूल्य है, ये सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है, तो स्थिति है, इनकी जो पहचान है, जैसे हम कैसे सुख शांति संतोष आनंद है, हाँ, ये चार अलग अलग। माइक ले लीजिए आप भी। हाँ, ये जो सुख शांति संतोष आनंद, सुख के जो चार स्वरूप हैं, तो इनका जो अंतर है, या ये जो नौ मूल्य हैं, जो स्थितियां हैं, तो इनको, मतलब जैसे मैं देख रहा था कि मैं हूँ, तो अभी मेरे में अगर कोई ऊंचा नीचा नहीं है तो मैं कहता हूं कि मैं सुखी हूं, सुख है। तो ये इनको, इनको एक पहचानना, ये जैसे कहते हैं कि ये मूल्यों का साक्षात्कार ही अनुभव है, तो साक्षात्कार जो है, तो ये इनके जो अंतर हैं, इनको हम कैसे देखते हैं, उनका क्या महत्व है? अलग अलग क्रिया में मूल्यों को देखते हैं। जैसे कुछ मूल्यों को मन में देखते हैं, कुछ को वृत्ति में, कुछ को चित्त में, ऐसा देखते हैं। नहीं, वो लोकेशन की बात अलग हो गई मान लीजिए, किंतु उनको जो देखते हैं, और एक ऐसे भी कहते हैं कि ये एक सम्मिलित वो होता है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि का ऐसा, तो किंतु इनको जो, ये जो इनका जो अंतर है इन मूल्यों का, माँ आपके साथ में स्नेह होता है, प्रेम होता है, या किसी के प्रति श्रद्धा होती है, कृतज्ञता होती है, तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं इनकी, इनकी पहचान के अंदर में भी, और हम लोग इनको एक प्रकार से पहचानते हैं, एक प्रकार का जो भाव का जो अंतर होता है, तो ये है स्थितियां है, और क्रिया है वो तो एक निश्चित बढ़िया से आइडेंटिफाइबल है कि ये क्रिया ऐसे है, ये भौतिक है, रासायनिक है। ये जो स्थितियां हैं, इनकी जो समझ है वो बहुत महत्व की है, तो इनके जो अंतर हैं, इनके जो सूक्ष्म जो अंतर हैं, वो जो सूक्ष्म दृष्टि है, वो कैसे हो, क्योंकि इन्हीं का देखने की जो बात चल रही है, तो मैं हूँ, तो सुख हूँ, तो मैं इसको सुख को कैसे परिभाषित करूँ, मैं स्नेह को, क्योंकि सुख कहता हूँ तो ऐसा कुछ, मतलब एक पहचानता हूँ कि जहाँ पे मैं आराम में हूँ, जब मैं कहता हूँ मैं सुख में हूँ, एक आराम की स्थिति को मैं सुख कहता हूँ। विजय भाई, जैसे विश्वास है तो विश्वास बना रहता है, और फिर शिष्टाचार में जो आता है वो दिखाई देता है, उससे पता चलता है कि मेरे में स्थित मूल्य कौन सा है। शायद मैं ऐसा समझाऊं कुछ, कि भैया जो बोलना चाह रहे हैं कि विश्वास है मेरे में, तो वो कैसे दिखाई देगा? तो वो विश्वास बना रहता है तो शिष्टाचार में जो आता है वो दिखाई देता है, स्थिति होती है तभी वो गति में आता है, ऐसा शायद, या उन सभी में डिफरेंस क्या है वो तो आप ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मीन्स वो है मूल्य, स्थित मूल्य है, तो शिष्टाचार में कुछ आता है तो पता चलता है कि स्थित मूल्य कुछ है। तो मैंने आपको ये बताया कि जितने भी मूल्य, नौ मूल्य है ना, तो यदि हम मन के स्तर पे कुछ मूल्यों को पहचानते, तो मन में 64 प्रकार की क्रियाकलाप हैं, उनके सम्मिलित प्रभाव में 3 प्रकार के मूल्यों को पहचानते, 3 स्थापित मूल्यों को, 3 स्थापित मूल्यों को वृत्ति में पहचानते हैं, 3 को चित्त में पहचानते हैं, ऐसा।
लेकिन ये जिसको हम लोग सुख शांति संतोष आनंद कहते हैं, ये कोई दो वस्तु नहीं है। सुख एक वस्तु है, शांति दूसरी वस्तु है, संतोष तीसरी वस्तु है, आनंद जो है चौथी वस्तु है, ऐसा नहीं। जब वो मन के स्तर पे पहचाना जाता है तो वो सुख है ना, जब वो मनोवृत्ति के स्तर पे पहचाना जाता है तो वो शांति है। गुणात्मक भी नहीं, गुणात्मक कैसे हो, क्योंकि वो बढ़ने घटने वाली वस्तु ही नहीं, तो केवल भास आभास प्रतीति है, वस्तु एक ही है। जब वो मन से पहचानी जा रही वो भास है, वृत्ति से पहचानी जा रही तो भास आभास है, चित्त में पहचानी जा रही तो भास आभास प्रतीति है, बुद्धि में पहचानी जा रही है तो प्रतीति के बाद बोध है ना, यदि आत्मा में पहचानी जा रही वो अनुभव है, अनुभव में ही वस्तु पूरी स्पष्ट होती है, उस अनुभव की स्वीकृति है, उसकी अभिव्यक्ति चित्त में आती है, तो चित्त हेलो हेलो आ रही ना आवाज़ आ रही है, ठीक आ रहा है। आपको इनका प्रश्न समझ में आ गया ना, सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है। तो जो व्यापक वस्तु जब क्रिया के साथ रहती है उसी को सत्ता महता बोलते हैं ना, यार सत्ता के रूप में व्यापक वस्तु है ना, सत्ता में संप्रक्त, यानी जो सत्ता है उसमें संप्रक्त क्या चीज है, क्रिया संप्रक्त है, और सत्ता में संप्रक्तता का अनुभव करने वाली केवल आत्मा है, आत्मा के अलावा और कोई सत्ता में संप्रक्तता को पहचानता नहीं। लेकिन सत्ता में संप्रक्त यदि मन की क्रिया में संप्रक्त सत्ता को पहचानते और मन और वृत्ति की क्रिया में संप्रक्त सत्ता को पहचानते है ना, और मन वृत्ति चित्त की क्रिया में संप्रक्तता में सत्ता को पहचानते, उसी का नाम सुख शांति संतोष आनंद है, उसी का नाम स्थापित मूल्य है ना, ऐसा है। ये जो अंतर है मन में वृत्ति में चित्त, अभी हमारे को तो कुछ जीवन के अंदर में ये हो रहा है, ये मन में हो रहा है या वृत्ति में हो रहा है, चित्त में हो रहा है, वो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कहाँ? पहले तो केवल है इतना पहचानने में आता है। हाँ, इतना पहचानने यदि है पहचानने में आता है तो अध्ययन हो सकता है, ये पहचानने में आता है विश्वास, यदि है तो फिर अपन इसका अध्ययन करते हैं कहाँ पहचानने में आता। हाँ, यदि आपको है पहचानने में नहीं आता तो अध्ययन शुरू नहीं होगा। नहीं, ये जैसे नौ मूल्य है या ये जैसे विश्वास है, सुख है, यदि सुख है पहचानने में आ गया, विश्वास पहचानने में आ गया तो विश्वास का अध्ययन हो सकता है। कैसे अध्ययन होगा? अब इस प्रश्न है कि विश्वास का अध्ययन कैसे करेंगे? विश्वास तो कोई क्रिया नहीं है और अध्ययन करने वाली जो है वो क्रिया ही है, तो क्या क्रिया शून्यता का अध्ययन कर सकती है, ये प्रश्न आएगा। विश्वास क्रिया नहीं है ना, अध्ययन करने वाला मैं क्रिया हूं, मैं क्रिया शून्य नहीं हूं, तो प्रश्न है कि क्या क्रिया शून्यता क्रिया का अध्ययन कर सकती? क्या अध्ययन क्या आता उत्तर? अनुभव होता है, है? जैसे होता है अनुभव, विश्वास का अनुभूति होती है, स्नेह की अनुभूति होती है। अनुभूति होती है, इसका मतलब क्या है? मतलब एक इनका जो अंतर है कि कब विश्वास है, कब स्नेह है, कब श्रद्धा है। कब का तो प्रश्न ही नहीं है, सुख है, क्योंकि सत्ता में संप्रक्तता निरंतर है, किंतु वो जो अनुभूति, तो ये थोड़ी कह रहे कि कभी है कभी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे। जैसे इसीलिए मैंने कहा कि पहले विश्वास है और निरंतर है, इसको पहचानना पड़ेगा।
यदि आपने ये पहचान लिया कि विश्वास है और निरंतर है, पहले तो विश्वास है और मैं हूँ और विश्वास मुझ में है, और मैं भी हूँ निरंतर और विश्वास भी निरंतर है, यह विश्वास नित्य है और मैं निरंतर हूँ, क्रिया निरंतर है और विश्वास स्थिति है इसलिए नित्य है ना। यदि ये पहचानने में आता है स्वयं में, तब इसके बाद आगे अध्ययन हो सकता है। ये दोनों पहचानने में आ गया मतलब सत्ता में संपर्क, आपने चैतन्य प्रकृति को देख लिया है ना। अब देख लिया तब अध्ययन शुरू होगा, देखे ही नहीं है तो अध्ययन किसका करोगे। समझ में आ रहा है? पूछना पड़ेगा, नहीं पूछेंगे तो छूट जाएगा। आपको ध्यान विधि से मेरे साथ चलना पड़ेगा साथ साथ ना। अगर ध्यान छूट गया तो कुछ भी शब्द के अलावा कुछ पकड़ में नहीं आएगा है ना जी। है ना, व्यवहार क्रिया इतने मूल्यों में ही व्याख्यायित होती है, इससे कम में होती नहीं है, है ना। जैसे कोई भी संबंध है या कुछ, उसका निर्वाह विश्वास के आधार पर ही है, है ना। तो जैसे बड़ों के साथ जब हम संबंध निर्वाह करते हैं तो वो विश्वास से, सम्मान से, कृतज्ञता से, गौरव से, श्रद्धा से होता है। और जब छोटों के साथ प्रस्तुत होते हैं तो विश्वास से, सम्मान से, स्नेह से, ममता से, वात्सल्य से, ऐसे प्रस्तुत होते हैं। तो ये तो है ही, है ना, एक कुछ विकसित है और एक कम विकसित है। तो कम विकसित अधिक विकसित के साथ विकसित होता है। तो व्यवहार क्रिया संपादित होने के लिए इतने मूल्यों में ही व्यवहार व्याख्यायित है, अंतर नहीं है वो। ये बात पहुंच रही है ना, ऐसा है, वो अंतर नहीं है। नाम इसलिए कि उतने हैं मूल्य उतने, जैसे आत्मा है, मन है, वृत्ति है, चित्त है, उतनी चीजें हैं होने के रूप में, ऐसी विश्वास है, सम्मान है। जैसे ये मीडियम का भेद है, आप ऐसा समझ लीजिए, अभी भौतिक रासायनिक क्रिया के अर्थ में बता रहा हूँ, है ना। जैसे प्रकाश अलग अलग मीडियम में जाता है तो अलग अलग प्रकार के प्रभाव छोड़ता है ना, इस तरीके से आप समझ लीजिए, है ना। तो मन में व्यापक वस्तु की मन में पहचान होती है तो एक अलग तरीके से पहचान होती, उसी की पहचान जब चित्त में होती है तो अलग तरीके से होती, बुद्धि में अलग तरीके से होती, आत्मा में अलग तरीके से होती, ऐसा वस्तु के रूप में वो एक ही है, नहीं तो फिर व्यापक वस्तु का भाग विभाग हो जाएगा। व्यापक वस्तु टुकड़े टुकड़े में नहीं हो सकती। या तो आप ये कहें कि नहीं विश्वास व्यापक वस्तु नहीं क्रिया है, तो क्रिया तो अलग अलग हो सकती है, और हम अपने में देखते हैं तो ये पाते हैं कि व्यापक वस्तु जो है वो उसका भाग विभाग नहीं होता है। दूसरी बात, विश्वास का भी भाग विभाग नहीं होता, विश्वास घटता बढ़ता भी नहीं है, विश्वास पूर्ण है, सारे मूल्य पूर्ण है, आधार मूल्य से लेके प्रेम तक सभी मूल्य पूर्ण ही होते हैं। किंतु उसका जो मैं भोगता हूँ वो जब मैं विश्वास का अनुभूति हो रही है, जब प्रेम की हो रही है, या और इनको मैं अलग अलग देख सकता हूँ कि मैं किसी के साथ में मेरी श्रद्धा की अनुभूति होती है, कहीं गौरव की अनुभूति होती है, कहीं स्नेह की अनुभूति होती है, तो ये अलग अलग होता है और इनका एक सूक्ष्म पहचान भी है कि ये गौरव अनुभव हो रहा है, ये सम्मान अनुभव हो रहा है। तो ये जो अंतर है और इनका अंतर है क्या, जैसे सम्मान का सुख और विश्वास का सुख और स्नेह का सुख और गौरव का सुख अलग अलग होता है, किंतु ये जो सम्मान सुख है, जो सम्मान और गौरव है, हाँ, या गौरव और केवल नाम है उसको, एक एक स्थिति में हम उसको ये कह रहे हैं, दूसरी स्थिति में वो कह रहे हैं।
तो वो जो अंतर है उस पहचानने का महत्व है ना, उस अंतर को पहचानने का। वो मैं कह रहा हूँ कि पहले है ये आपको समझ में आता है, ये समझ में आ गया। यदि अस्तित्व से अस्तित्व है ये आपको समझ में आ गया है ना। अस्तित्व क्या, मेरा अपना होना अस्तित्व है ना, और मेरा अपना होना व्यापक वस्तु के साथ में है, ये सह अस्तित्व है। व्यापक वस्तु को मैं अपने अंदर में सुख के रूप में, ज्ञान के रूप में और विश्वास के रूप में पहचानता हूँ। अपने होने को क्रिया के रूप में पहचानता हूँ। मेरे अंदर जो और क्रियाएं हैं उनको मैं आशा विचार इच्छा के रूप में पहचानता हूँ, है ना। ये दोनों अभिवाज्य हैं, ये दोनों सह अस्तित्व में। ये जो क्रियाएं हैं ये अभिवाज्यता में हैं, है ना। इनको अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके नहीं देख सकते, है ना। और जो व्यापक वस्तु है ना, वो नित्य है, और ये सारी क्रियाएं जो हैं वो उसी में हैं। जो रिक्त स्थली है, जो जीवन के अंदर जो रिक्त स्थली है, वही उसी में है सभी क्रियाएं। क्योंकि अगर रिक्त स्थली नहीं होती तो क्रिया ही नहीं होती, क्रिया का भेद नहीं होता। हम क्रियाओं के भेद के रूप में पहचान नहीं पाते। तो इसका मतलब जीवन कोई एक ठोस वस्तु नहीं है ना। उसके बीच में व्यापक वस्तु है। इस अर्थ अब पहले एक जगह देख लें, हम अपने में देख लें, फिर परमाणु में देख लेंगे। अपने में नहीं देखेंगे, परमाणु में देखने के लिए कोई विधि नहीं हमारे पास, यंत्र नहीं है। भैया आपने मीन्स जितना बोला उसको अगर हम बोले कि व्यापक का की अनुभूति अगर मन के लेवल पे होती है तो उसी को सुख बोला है, या मन वृत्ति के लेवल पे तो उसी को शांति बोली है, ये हो गया एक। और दूसरा आपने बोला कि जो मूल्य हैं उनकी अनुभूति भी अगर मन के लेवल पे है तो विश्वास, सम्मान और स्नेह और ऊपर के तीन और उसके ऊपर के तीन। तो जो भी मूल्य है या जो भी जो जीवन मूल्य है या जो नव मूल्य बोल रहे हैं वो सभी मीन्स यहीं पे ही है। हमें मीन्स स्थापित मूल्य, जिनको हम स्थिति में मूल्य कह रहे हैं, नौ स्थापित मूल्य, नौ स्थापित, इन्हीं स्थापित मूल्यों को हम व्यवहार में पहचानते हैं, वो शिष्ट हो जाते हैं। पहले ऐसा लग रहा था ये कुछ जीवन मूल्य कुछ अलग हैं, वो नव मूल्य कुछ अलग हैं, वो व्यवहार के लिए हैं, ये कुछ जीवन में होगा। तो ये थोड़ा क्लियरिटी थोड़ा थोड़ा आप जैसे बता रहे हैं ऐसे थोड़ा क्लियर हो रहा है मीन्स के। ये तो आपको अपने अंदर में ही देखना है, क्लियर आपके अपने अंदर में ही होगा। भाषा केवल संकेत कर सकती है ना, तो इसीलिए उसमें लिखा है कि जो अनुभव दर्शन का आगे का आप पढ़ेंगे ना, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म की अप्रचुरता नहीं है, भाषा की सब पढ़िए उसको आगे, माइक ले लीजिए, माइक जो भी पढ़ेंगे ना। यह शब्दों द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है, केवल उद्घाटित नहीं है, पूर्णतया उद्घाटित नहीं है, उद्घाटित नहीं है। केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है, अपूर्ण है, पूरा निरूपण नहीं होता। यह ब्रह्म की अप्रचुरता का नहीं अपितु शब्द की अक्षमता का द्योतक है। मतलब ब्रह्म नहीं है किसी जगह पे, ऐसा नहीं है, यानी उसकी प्रचुरता अप्रचुरता नहीं है, उसकी व्याप्ति तो सभी जगह है, शब्द की सीमा है, ऐसा ऐसा लिखा। यह शब्द की उत्पत्ति तथा स्थिति पाई जाती है, यह ब्रह्म केवल साम्य और व्यापक पूर्ण अस्तित्व ही है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक वस्तु ही है, जीवन में भी पारगामी है, शरीर में भी पारगामी है।
जीवन में भी पारगामी है, शरीर में भी पारगामी। तो जीवन में पारगामी है इसको समझना है ना। अभी पारदर्शी है इसको तो हमने बात कर ली। तो अभी जैसे विश्वास स्वयं में होता है कि स्वयं के बाहर होता है, इसका मतलब है विश्वास जो है क्रिया में पारगामी। पहले तो विश्वास है ऐसा पहचानने में, जैसे ज्ञान स्वयं में होता है या बाहर होता है, तो ज्ञान की पारगामिता सिद्ध होती। यदि आप विश्वास को और ज्ञान को स्थिति के रूप में पहचानते हैं, तभी ये जो रिक्त स्थली है इसका अस्तित्व है सिद्ध होता, नहीं तो सिद्धि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। पारगामी था समझ में आ रही है? नहीं। ऐसे चलिए थोड़ा और अध्ययन करते हैं, थोड़ा थोड़ा और अध्ययन करते हैं तो पता। हम ऐसा कह रहे हैं कि सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है और सत्ता ही व्यवस्था का कारण है, ऐसा बोल रहे हैं। मध्य दर्शन ऐसा कह रहा है कि जो सत्ता है वो इकाई को नियंत्रित संतुलित निश्चित रखने का कारण है। दूसरी भाषा में बोलें तो इकाइयां सत्ता में नियंत्रित संतुलित निश्चित आचरण के साथ हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और इसीलिए ये कारण है या महाकारण है, और जो क्रिया है वो कार्य है, कार्य के रूप में वो नियंत्रित संतुलित निश्चित आचरण के साथ व्यवस्था में है। इसी को सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति व्यवस्था है, ऐसा बोल रहे। भाषा के रूप में तो यही पढ़ने आ रहा ना, सूचना के रूप में यही है। अब इसको आप अपने अंदर कैसे देखेंगे? आप देखिए विश्वास में आशा विचार इच्छा नियंत्रित होता है अनियंत्रित होता है? विश्वास में आशा विचार इच्छा में संतुलन रहता है असंतुलन रहता? विश्वास में आशा विचार इच्छा व्यवस्थित रहता है अव्यवस्थित रहता? तो इससे पता लगता है विश्वास क्रिया को नियंत्रित करने का कारण है, यानी व्यापक वस्तु क्रिया को नियंत्रित करती है। करती है यानी कर्ता के रूप में नहीं, कारण के रूप में रहती है। हाँ, यानी विश्वास पे से ध्यान हट जाए, है ना, इतना ही हो सकता है। विश्वास पे से ध्यान हट जाए, क्रिया पे ध्यान आ जाए, तो हमको वही क्रिया अनियंत्रित दिखने लगती है। इतनी घटना है बस, जिसको हम भ्रम कह रहे हैं, क्योंकि अविश्वास का अस्तित्व तो नहीं है। अविश्वास का अस्तित्व तो नहीं है, अस्तित्व तो विश्वास का ही है ना। केवल आपका ध्यान हट सकता है, जैसे मेरा ध्यान कैमरे पे भी हो सकता है, आप पे भी हो सकता है ना, इन पे भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, घड़ी पे भी हो सकता है। तो मेरा ध्यान कहाँ पर है, इतना ही है ना मुद्दा। तो यदि विश्वास पे ध्यान है, विश्वास को के साथ है ना मैं अपनी क्रिया को देखता हूँ, तो मुझे स्वयं में आशा विचार इच्छा नियंत्रित संतुलित निश्चित पहचानने में आती है। यदि विश्वास से ध्यान हटा के देखता हूँ, सब गड़बड़ दिखता है। इसीलिए भौतिकवाद जो है द्वंद्व को पहचान पाया, क्योंकि वो व्यापक वस्तु के अस्तित्व को नहीं मान रहा है, यानी विश्वास को नहीं पहचान पाए। ऐसे एक प्रश्न बनता है कि अगर ये अलग अलग हैं तो इसमें जो अनुभूति भी होगी वो एक साथ मीन्स क्यों एक साथ, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक साथ क्यों नहीं होती, या धीरे धीरे होती है जैसे मन के लेवल से प्रवृत्ति के लेवल से जैसे साथ ही होती है? नहीं, मीन्स मुझे ऐसा लगा कि पहले भास, धीरे धीरे भास होता है, आभास होता है, फिर प्रतीति, ऐसा। हाँ, भास आभास प्रतीति क्रमशः होता है। तो
अनुभूति ऐसा क्यों है साथ होती है? मींस वो शायद शब्द में मुझे कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्यापक की अगर अनुभूति है तो सभी में पांचों क्रियाओं में एक साथ हो जाए तो क्या प्रॉब्लम? जैसे उसका उसका मूल प्रॉब्लम यह है कि जो मैं है वो भी आत्मा में निरूपित नहीं हुआ है। मैं जो है मन में या वृत्ति में निरूपित हुआ है, तो जब तक वृत्ति में निरूपित होता है तो वृत्ति तक ही देख पाते हैं, जब चित्त में हो जाता है तो चित्त तक देख पाते। चित्त तक मैं का निरूपण ही अहंकार है। आत्मा और बुद्धि के रूप में मैं का निरूपण हो जाना ही जो है अहंकार से मुक्ति है। जब जीवन स्वयं को बारे में भ्रमित रहता है कि क्या भ्रम रहता है, वो अपने होने को होने की होने को पहचानता नहीं। किस अर्थ में नहीं पहचानता? गति के अर्थ में, स्थिति के अर्थ में तो पहचानता है कि मैं हूँ। अहंकार अहंकार अहंकारी आदमी में अपना होना बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है, नहीं होता? उसका अहंकार का मतलब ही रहता है कि मैं हूँ, इस बात को स्वीकार करो आप। अहंकार का मतलब क्या है? मैं जो नहीं हूँ उससे भिन्न अपने को मान लेता हूँ। भिन्न का मतलब क्या है? ज़्यादा मान लेता हूँ, कम मान लेता हूँ, या जो नहीं हूँ वो मान लेता हूँ, ऐसा। तीन ही प्रकार के दोष है ना, तीनों प्रकार। तो पहले हम शरीर माने रहते हैं, फिर मन माने रहते हैं, वृत्ति माने, मैं आत्मा हूँ ऐसा माने, मैं हूँ ये तो माने ही रहते हैं, मैं हूँ ये माने रहते हैं, मैं हूँ वो तो माने रहते हैं, मैं क्या हूँ ये पता नहीं है, मैं हूँ ये पता है, मैं क्या हूँ ये पता नहीं। तो जब हम शरीर माने रहते तो शरीर तक समझते हैं, मन माने रहते तो मन तक समझते हैं, वृत्ति माने रहते हैं वृत्ति तक, चित्त माने रहते हैं चित्त तक। जब आत्मा मान लेते हैं तब पूरे जीवन का अध्ययन होता है, पूर्णता में अध्ययन होता है ना, उसी का नाम अनुभव है। इसीलिए आत्मा के रूप में जैसे ही मैं का निरूपण हो जाता है उसके बाद सब कुछ, कोई भी अभाव नहीं बचता है ना। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ही अनुभव होता है उसकी स्वीकृति बुद्धि में होती है, बुद्धि में स्वीकृति होते ही चित्त में उसका भाषाकरण होता है और स्मृति स्थिर हो जाती है। इसको श्रुति स्मृति कह रहे हैं। श्रुति स्मृति स्थिर होते ही मेधा और कला के रूप में अभिव्यक्ति आ जाती है, वास्तविकता यथार्थता सत्यता जो है अभिव्यक्त होने लगता है। जैसे बाबा जी की भाषा में कहीं पर भी अस्थिरता नहीं दिखती है ना, भाषा श्रुति स्मृति के रूप में स्थिर हो गई, स्थिर वस्तु की अभिव्यक्ति एक जैसी होगी, परिवर्तनशील नहीं होगी, उसी का नाम मेधा कला। फिर कांति और रूप, निरीक्षणों गुण, और उसके बाद संतोष और श्री, ये चार क्रियाएं हो गई तो संतोष और श्री के रूप में अभाव का अभाव हो गया चित्त में। अब कोई अज्ञान नहीं है, कोई अभाव नहीं, इसलिए कोई भी अभिव्यक्ति संप्रेषणा में कभी भी भ्रम नहीं है, निर्भ्रम हो गए। एक तो होने के अर्थ में हो गए अनुभव में, उसी अनुभव का प्रमाण चित्त में जब आया तो चित्त भ्रम मुक्त हो गया। तो इसलिए एक भी निरर्थक चित्रण नहीं आएगा, वास्तविकता यथार्थता सत्यता का ही चित्रण आएगा। उसी को उसी को कह रहे हैं कि यथार्थ इच्छाएं है ना, शुभेच्छाएं, शुभेच्छा ही होगी, शुभ की इच्छाएं ही होंगी, अशुभ की कोई इच्छा नहीं होगी, यानी इच्छाएं स्थिर हो जाएंगी, क्योंकि भाषा स्थिर हो गई, स्मृति स्थिर हो गई, अभिव्यक्ति स्थिर हो गई, रूप स्थिर हो गया कांति और रूप के रूप में है ना, गुण की पहचान हो गई, स्थिर करने वाली वस्तु के रूप में मध्यस्थ गुण है इसकी पहचान हो गई। जैसी गुण की पहचान हो गई अभाव का अभाव हो गया, अब कोई अभाव नहीं,
क्योंकि कारण भी स्पष्ट हो गया, कार्य भी स्पष्ट हो गया। ये स्थिर होने से वृत्ति स्थिर हो गई, मन स्थिर हो गया। इसी को बाबा जी कह रहे हैं, अनुभव के बाद जो है आशा विचार इच्छा नियंत्रित संतुलित संयमित हो जाते, इंद्रियां संयमित हो जाते, इंद्रियों का संयम हो जाता, इसके साथ कार्य व्यवहार संयमित हो जाता, कार्य व्यवहार नियंत्रित हो जाता, व्यवहार नियंत्रित हो जाता। इसको जांच के देख सकते हैं, अध्ययन में हम देख सकते हैं, विश्वास में व्यवहार नियंत्रित रहता अनियंत्रित रहता। दो लोगों के बीच में यदि विश्वास है, उनका व्यवहार नियंत्रित होगा अनियंत्रित, तो इससे पता लगता है कि व्यापक वस्तु हर क्रिया को नियंत्रित करती, इच्छा को भी, विचार को भी, आशा को भी, व्यवहार को भी और कार्य को भी। क्रिया की निरंतरता के रूप में क्रिया की जो पहचान है वही क्रिया पे विश्वास है, है ना? क्रिया की निरंतरता के रूप में उसी को स्थितिशील बोलते हैं ना। स्थितिशील क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्रिया है वो व्यापक वस्तु में डूबी है, व्यापक वस्तु पूर्ण है, पूर्ण में भौतिक रासायनिक वस्तु डूबी भीगी घिरी हुई, इसीलिए भौतिक रासायनिक वस्तु में पूर्णता की ओर क्रियाशीलता, इसी को स्थितिशील प्रकृति बोलते हैं ना। स्थिति की ओर भौतिक रासायनिक क्रिया क्रियाशील है ना, भौतिक वस्तु स्थिति की ओर क्रियाशील है इसीलिए गठन पूर्णता है, भौतिक रासायनिक वस्तु स्थितिशीलता की ओर क्रियाशील है इसीलिए विकास क्रम विकास है। चैतन्य प्रकृति जो है स्थिति पूर्ण सत्ता में डूबी भीगी घिरी हुई है, इसलिए चैतन्य प्रकृति में जागृति क्रम जागृति है, जागृति जो है वो आचरण पूर्णता है, जागृति क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के रूप में। तो पूर्ण में क्रियाएं जो है संप्रक्त हैं, इसलिए पूर्णता की ओर संपूर्ण प्रकृति स्थितिशील है, और जो सत्ता है वो स्थिति पूर्ण है, सत्ता स्थिति पूर्ण है, ना वो घटती ना बढ़ती। तो प्रकृति स्थितिशील क्यों है? हम तो ये भी कह सकते थे कि प्रकृति क्रियाशील है, ऐसा बोल सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रकृति स्थितिशील है। ये जो प्रकृति की स्थितिशीलता जो है व्यापक वस्तु में डूबे भीगे घिरे हुए होने के कारण से ही पहचानने में आती है, इसी को प्रयोजन और दिशा और लक्ष्य की पहचान भी बोलते हैं। जब हम क्रिया को व्यापक वस्तु में अध्ययन करते हैं तब क्रिया का लक्ष्य स्पष्ट होता है, क्रिया को व्यापक वस्तु में अध्ययन नहीं करते हैं तो क्रिया का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। जैसे व्यवहार को विश्वास में अध्ययन करते हैं, अगर व्यवहार को विश्वास छोड़ के अध्ययन करें तो व्यवहार का अध्ययन होगा क्या, है ना? तो व्यवहार का अध्ययन जो है स्थिति पूर्ण सत्ता में ही होता है, स्थिति पूर्ण सत्ता जो है वो विश्वास है, स्थिति पूर्ण सत्ता जो है नो स्थापित मूल है। तो स्थिति पूर्ण सत्ता में जब हम अध्ययन करते हैं तब मूल्यानुभूति स्वयं में होती है, अनुभव में हमको ये सब समझ में आ गया, आचरण पूर्णता उसका प्रमाण हो गया पूर्णता का।
इसीलिए समस्त क्रिया का प्रयोजन जो है ना वो स्थिति को व्यक्त करना ही है। तो इसीलिए तो क्रिया की दिशा है ना लक्ष्य है, यदि ये नहीं पहचान होगी तो दिशा और लक्ष्य स्थिर ही नहीं होगा। और मैं की पहचान के लिए कर्म दर्शन में दिया हुआ है कि आत्मलक्ष्य के प्रभाव से आत्मबोध होता है ना, आत्मबोध में आत्मदीपन होता है। तो वो पूरा क्रम दिया हुआ है कि मैं को कैसे पहचाने, जब करना है तो ये सब या स्मृति में रखना है, नहीं तो सब इधर उधर हो जाएगा सारा मामला। और व्यापक में अनुभूति, व्यापक में विश्वास में व्यवहार क्रिया, में रहने से स्थिति की क्रिया नहीं होती है। और जैसे ही का किया तो क्रिया हो क्या समझ में आया बताइए, क्या समझ में आया? अभी लास्ट में जो आपने बताया मतलब व्यवहार का अध्ययन, अगर व्यवहार का अध्ययन है वो विश्वास के साथ होता है, मतलब जब व्यवहार करते हैं तो सत्ता विश्वास के रूप में हमारे साथ है, तो जो पूर्णता का एक पिलर है वो इस रूप में हमारे साथ रहता है, वरना तो व्यवहार का अध्ययन हो ही नहीं पाता। हम विश्वास में होते हैं ऐसा बोलिए, साथ में है विश्वास में हो, साथ में तो आप हम लोगों के हैं, मेरे साथ हैं, उनके साथ हैं, इनके साथ हैं, है ना, लेकिन हम सब लोग विश्वास में हैं, व्यापक वस्तु में हैं। तो हम स्पेस के व्यापक वस्तु के साथ नहीं है, व्यापक वस्तु के सह अस्तित्व में, क्योंकि हम उसी में हैं, वही हमारे आर पार भी है। अभी आपने पढ़ा भी इसमें, ये जो व्यापक वस्तु है ये जीवन से भी पारगामी है, शरीर से भी पारगामी। तो विश्वास के साथ नहीं है, विश्वास में है। तो व्यवहार विश्वास में ही होता है, व्यवहार के बिना विश्वास, विश्वास के बिना व्यवहार की पहचान नहीं। अच्छा, संबंध विश्वास में ही होता है, सब विश्वास के बिना संबंध की पहचान नहीं। कोई भी संबंध विश्वास में होता है, विश्वास के साथ होता है या विश्वास में होता है? अब ये है कि ये विश्वास कहाँ होता है, तो हम सभी उसी में डूबे भी के रहे हैं, तो हमारा आशा विचार इच्छा व्यवहार कार्य सब कुछ विश्वास पूर्वक होता है, नहीं होता है? हमारा चलना विश्वास पूर्वक होता है कि बिना विश्वास के होता है? हमारा बोलना विश्वास पूर्वक होता है बिना विश्वास के? जैसे हम इस बेंच पे बैठे हैं, इस कमरे के नीचे बैठे हैं, विश्वास पूर्वक बैठे हैं? नहीं। हम जैसे घर में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, विश्वास पूर्वक पीते हैं, नहीं पीते? तो सभी क्रियाकलाप विश्वास में ही होती है, अविश्वास में हो ही नहीं पाती। अविश्वास हो जाए तो चलना भी नहीं होगा, बैठना भी नहीं होगा, सांस लेना भी नहीं होगा। अभी हम सांस ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है हवा ठीक है ना। तो एक एक क्रिया विश्वास में हो रही है, और विश्वास से रिक्त मुक्त कोई क्रिया नहीं, अभी मानव में देख रहे हैं इसलिए, है ना। और क्या हो जाएगा? तो हम शुद्ध हवा की जगह पे जाएंगे, विश्वास वाली जगह पे जाएंगे। अविश्वास वाली जगह पे कौन रहेगा? हम पहचान नहीं पाते हैं, बस पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए भोगते हैं। पहचानते हैं तो पता लगता है, संबंध में नहीं पहचान पाते हैं, कार्य में नहीं पहचान पाते, है ना। हवा तो शुद्ध ही थी, हवा थोड़ी अशुद्ध थी, वो तो आदमी नहीं पहचान पाया इसलिए अशुद्ध हुई, इसी का नाम तो अविश्वास है।
भाई प्रकृति में मानव के विकास में हवा का योगदान है ना, तो हवा तो पहले से ही शुद्ध थी, वही तो आपको अस्तित्व लिखे, वो अशुद्ध थोड़ी थी, हम लोग पहचान नहीं पाए इसलिए हवा को खराब कर दिया, घटना यही हुई। तो इसलिए सत्ता तो विश्वास की ही रहती है, मानव विश्वास को नहीं पहचान पाता इसीलिए दुखी है, और दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर हम एक बार पहचान लें तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दुख एक भ्रमित स्थिति है ना, भ्रम, इसको हम कह रहे हैं भ्रम है, भ्रम से ज्यादा दुख का अस्तित्व नहीं है ना। दुख का भ्रम होता है या दुख का अस्तित्व होता है, क्या लगता है आपको, दुख रहता है या सुख रहता है ज्यादातर समय है? गुजराती में पूछिए, क्या पूछ रहा हूं, सुखी है, भाषा कोई समस्या नहीं। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में, आ रहा है आपको, आ रहा है, कोई प्रश्न तो नहीं? चेतना बहन जी, आपको, आपको समझ में आ रहा है, कैमरेमैन को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, कहाँ पे डाउट हो रहा है? तो डाउट नहीं। कहाँ पर है डाउट? लिंक नहीं बन रहा है ना, आपको आ रहा है? आ रहा है सर, आपको, आपको, आपको बेटा, थोड़ा थोड़ा, क्या समझ में नहीं आ रहा वो बताइए। अच्छा, आपको थोड़ा थोड़ा, आपको, सभी को आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सबको आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। अब देखिए, ये जो अस्तित्व से अस्तित्व है, आ गई चाय, चाय पी लेते।